Dear students, today we will discuss about the matrix. Dear students, today we will discuss about the matrix. Right now, we shall come. What is the matrix? The definition of matrix is a rectangular arrangement. It is an rectangular arrangement of an real valued function or a number Students, क्या आपको properly visibility now? Hello. चलो नाउ लेट्स स्टार्ट मैट्रिक्स. राइट, तो मैट्रिक्स में जो अपने पास में इश्यूज हैं वो क्या हैं, पहले प्रॉपर समझना है कि मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा और किस तरह से हमें वर्क करना है. आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है. राइट, तो हमें मैट्रिक्स सॉर्ट आउट करनी है, मैट्रिक्स को प्रॉपरली स्टडी करनी है. तो सबसे पहले हम कह रहे हैं मैट्रिक्स है क्या. तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या कहा आपने, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे. एरे क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और ए फंक्शन. रेक्टेंगुलर, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और ए फंक्शन, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स. और जो ऑर्डर्ड नंबर हैं जो मैट्रिक्स के, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड देयर इज रिटन A11, A12, A13 लाइक दैट. दीज आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, दीज आर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 3-1, 3-2, 3-3. यहाँ हम मैट्रिक्स की दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नंबर वन, देर आर हाउ मैनी रूज हॉरिजेंटल इट शुड बी कंसिडर एज ए रो, रो आर 3 एंड द कॉलम, दिस इज नोन एज कॉलम, देन कॉलम आर 3. फर्स्ट इंडिकेट द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो एंड द सेकेंड इंडिकेट द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम. राइट, तो आपने कहा ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर और ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज नोन एज मैट्रिक्स. राइट, तो ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. एंड द ऑर्डर विच इज टू बी डिफाइंड बाई नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज टू बी कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. तो आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई, सबसे पहले मैट्रिक्स में एलिमेंट किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, नंबर टू उस मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से डिफाइन करोगे. अब अपने पास पार्ट आता है कि मैट्रिक्स का, अगर मान लो आपको कहा जाए कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या होंगे, सेकंड पार्ट में हम चले तो वहाँ अपने पास आ जाता है टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स. राइट है, अगर कोई प्लेन में कोई एक कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है एक्स को वाई, तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ए पॉइंट इन ए प्लेन दैट इज गिवन एक्स वाई, देन इट शुड बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, वेदर इट बी रिप्रेजेंट बाई लाइक दैट और वेदर इट मे बी रिप्रेजेंट बाई लाइक दैट. दिस टू वे टू रिप्रेजेंट दिस कोऑर्डिनेट इन टू ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ वी विल डिस्कस दैट इफ सपोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स और द नंबर ऑफ एलिमेंट इफ इट इज गिवन. सपोज एक मैट्रिक्स में उनका 8 एलिमेंट्स हैं. ए मैट्रिक्स कंसिस्ट 8 एलिमेंट. राइट, तो बोलता हाउ आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2. राइट, दीज फोर ऑर्डर्स इज टू बी पॉसिबल. 1 into 8 मीनिंग 1 रो और 8 कॉलम. राइट, यहाँ पर 8 रो 1 कॉलम, यहाँ पर 2 रो 4 कॉलम, 4 रो 2 कॉलम.
सो दिस इज द कंसिस्टिंग द एलिमेंट दैट इज गिवन इन केस द व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स दैट इज लाइक दैट राइट द टाइप वन दैट इज गिवन सपोज गिवन इन द क्वेश्चन ए आई जे आई जे विट डज इट मीन ए आई जे इट इज गिवन सपोज दैट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 - 3 ऑफ i - 3 ऑफ j दिस इज नॉट 2 i - 3 ऑफ j राइट और साथ में क्या दिया गया मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3 × 2 का है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज 3 × 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 × 2 तो हमें मैट्रिक्स बनानी है फॉर्म ए मैट्रिक्स तो कैसे बनेगी हम क्या करें 3 × 2 का सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 2 तो उसको आप डिफाइन कर लें क्या क्या एलिमेंट आएंगे इसका मीनिंग क्या हो गया 3 रो राइट a11 a12 और कॉलम कितने ओनली 2 यहाँ पे 2 1 2 2 यहाँ पे 3 1 यहाँ पे 3 2 3 रो 1 2 3 कॉलम्स आर 2 देन इट विल नोन एज 3 × 2 नाउ a11 वी विल कैलकुलेट a11 हाउ i एंड j बोथ ऑफ देम आर रिप्लेस बाय 1 1 तो क्या आ जाएगा हाफ मैग्नीट्यूड 1 - 3 × 1 सिंप्लीफाइड करोगे तो 1 - 3 - 2 बट देयर इज ए मैग्नीट्यूड सो इट विल रिटर्न टू द रिजल्ट इज 1 सिमिलरली यू विल कैलकुलेट द a12 a13 a14 जो भी एलिमेंट्स आपके 2 1 है तो आप ये एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे अगर a12 कैलकुलेट करना आपको हाफ i इज रिप्लेस्ड बाय 1 एंड j इज रिप्लेस्ड बाय 2 तो 1 - 3 × 2 कितना आ गया हाफ मैग्नीट्यूड के अंदर कितना आ गया -5 कितना हो गया 5/2 a21 अगर कैलकुलेट करते हैं हाफ i की वैल्यू 2 - 3 × j की वैल्यू 1 कितना आया हाफ 2 - 3 हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ -1 तो 1/2 सिमिलरली यू कैन गेट द डिफरेंट वैल्यूज एंड प्लेस इनटू दिस मैट्रिक्स दिस विल फॉर्म लाइक दैट अभी आप यहाँ वैल्यूज को प्लेस कर देंगे a11 कितना है 1 है a12 कितना है 5/2 राइट ऐसे ही आप a21 कितना कैलकुलेट किया आपने हाफ इसी तरीके से आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे और ये जो मैट्रिक्स आपको निकालनी है दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू बी इन फ्रंट ऑफ अस कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास रहते हैं तो प्रॉपरली आपको सॉल्व कर लेना है एक मैट्रिक्स में अगर किसी एलिमेंट को डिस्क्राइब किया गया है तो आपको मैट्रिक्स किस तरीके से कैलकुलेट करनी है यू कैन कैलकुलेट लाइक दैट राइट नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल पूछा जाता है बता सकते हो अकॉर्डिंग टू इट मैट्रिक्स का कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट किसी पर्टिकुलर आई जे की फॉर्म में दिया गया है इन केस डिस्क्राइब द एलिमेंट सब्स्टिट्यूट आई एंड जे एज पर द गिवन ऑर्डर कैलकुलेट इट राइट नाउ सम ऑफ द टाइप ऑफ मैट्रिक्स वन ऑफ द टाइप इज कॉलम मैट्रिक्स इन्होंने कहा कॉलम मैट्रिक्स के टाइप्स नंबर 1 हो गया कॉलम मैट्रिक्स अब कॉलम मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ एक ऐसी मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ओनली वन कॉलम इट मीन्स ए मैट्रिक्स विच इज सपोज ए देन इट इज डिफाइंड बाई लाइक दैट इट इज वन कॉलम There is 3 rows, but the column is 1. If this is 1, then it is known as column matrix. Right? Number 2, row matrix. Kya? Row matrix. Row matrix kya hogi? Jisme kya ho? Ek row ho.
ओनली वन रो, कॉलम कितने हैं टू, कितनी रो वन, तो रो मैट्रिक्स कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जितनी रो उतने कॉलम, राइट, कितनी रो टू, कितने कॉलम टू, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो एंड कॉलम इफ दे आर इक्वल, इफ दिस इज I एंड J और M और N, दिस इज द ऑर्डर, इफ M इक्वल N, और वी कैन से A I J, A का ऑर्डर जो है यहाँ पर M क्रॉस N है, इफ M क्रॉस N इन M इक्वल N, देन इट इज नोन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायगनल के एलिमेंट कौन से होते हैं, हमेशा डायगनल इज डिफाइंड इन मैट्रिक्स, डायगनल इज डिफाइंड इन मैट्रिक्स, किससे डिफाइन करते हो, तो हमेशा ये प्रिंसिपल डायगनल होता है, राइट। जैसे सपोज आपने 1 2 2 1 दिखाया तो ये होगा डायगनल, एलिमेंट ऑफ डायगनल, एलिमेंट ऑफ डायगनल क्या होंगे, 1 1, राइट है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम 1 कॉलम, रो 1 रो, स्क्वायर रो कॉलम इक्वल, डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हम, डायगनल मैट्रिक्स, राइट। तो अब डायगनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, देखो डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स में क्या आएगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगनल के अलावा एक्सेप्ट डायगनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, राइट है, एक्सेप्ट डायगनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज डायगनल मैट्रिक्स, एक्सेप्ट डायगनल, राइट। डायगनल के अलावा इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो then it is known as diagonal matrix। अब आ जाती है आपकी next में diagonal के बाद scalar matrix, S-C-A-L-A-R matrix, scalar matrix। तो diagonal matrix is a scalar matrix, scalar matrix है तो diagonal तो होगी होगी, meaning हो गया diagonal के अलावा सब zero कर दो। तो scalar matrix की definition में क्या कहा आपने, a diagonal matrix, ए डायगनल मैट्रिक्स, इन डायगनल मैट्रिक्स द डायगनल आर नॉट जीरो, इन स्केलर मैट्रिक्स द डायगनल इज सेम, देन इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स, राइट। द डायगनल इज सेम, इट इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। और थर्ड वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब क्या डेफिनेशन हो गई, ए डायगनल मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द डायगनल इज 1 1 1, और हमने कहा डायगनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मींस डायगनल है तो एक्सेप्ट डायगनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, और डायगनल ही आइडेंटिटी होगी कब, जब डायगनल के एलिमेंट क्या हो जाए, 1 1 1, तो डायगनल मैट्रिक्स ही आपकी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये पहले क्लियर होना चाहिए कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। नाउ जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो जीरो, दैट इज ए जीरो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। नेक्स्ट पार्ट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट पार्ट इक्वलिटी ऑफ
मैट्रिक्स, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, व्हेन एवर द टू मैट्रिक्स आर इक्वल, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स मीनिंग सपोज द मैट्रिक्स ए इक्वल मैट्रिक्स बी देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, क्या होंगे, इक्वल होंगे। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कैसे, सपोज एक मैट्रिक्स आपकी लिखी हुई है 1x2y, इधर इक्वल में दिया आपको 2 3 4 1, सपोज दिस इज गिवन। फॉर द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल, तो इसका ऑर्डर कितना आया 2x2, इसका ऑर्डर कितना आया 2x2। तो पहला पार्ट हो गया व्हेन एवर द टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर ऑर्डर शुड बी इक्वल, नंबर वन। नंबर टू अगर हम बात करें, नंबर टू में हमने कहा कि एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के अगर इक्वल है तो पहला पार्ट तो हो गया उनके कोरस्पोंडिंग ऑर्डर सेम होने चाहिए, नंबर टू देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कौन है, अगर इसका A11 इसके A11 के सेम होना चाहिए, जो नहीं है तो आप इसको प्रॉपरली राइट करें दिस इज इक्वलेंट टू द वन, यहाँ टू है तो यहाँ भी क्या आएगा टू। नाउ कंपेयर देम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, सो फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग x इक्वल 3 एंड y इक्वल 1, दिस इज इक्वलेंट टू दिस एंड दिस इज इक्वलेंट टू दिस, राइट, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। If two matrix are equal, then their corresponding elements are also equal. One of the question is to be arise there. So that is like that, one of the question that we have taken here. One is given 2a plus b and a minus 2b. Next, there is 5c minus d or 4c plus 3d, 4c plus 3d which is equivalent to the another matrix that is given 4 minus 3 11 24. First, if the matrix are equal then their order should be same, the order of the first matrix is 2x2, another matrix is 2x2, so the order is same. Now their corresponding element are also equals, from where you are getting 2a plus b equal 4 and a minus 2b equal minus 3, right? Again you are getting 5c minus d equal 11 and 4c plus 3d equal 24. These are the corresponding elements, right? From first and second you will be use elimination and solve a and b. From second, there are two equations, solve them, calculate C and D. So these are the value of A, B, C or D, right? Now come on next question. So behalf of this 3.1 exercise is exactly same. One of the question is there, number of all possible matrix of order 3x3. A question hai. वो ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री With each entry 0 or 1. ये कह रहे हैं एंट्री 0 लो या 1 लो, इसमें आपको 3x3 की कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला टू फॉर्मिंग द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, क्या हुआ नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कौन कौन है इनकी काउंटिंग, पावर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, पावर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, इट मीन्स हेयर आर टू एलिमेंट 0 और 1,
सो टू पावर प्रोडक्ट 3 3 जा 9, सो दैट इज इक्वल टू द 5 1 2 आर द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स. राइट, क्लियर सबको. रेस्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. देर इज गिवन ए आई जे डाउन साइड एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इक्वल एन. राइट है, अब दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स. नेक्स्ट पार्ट 3.1 यूजर्स सॉल्व. नाउ गो थ्रू विद द 3.2 एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स. एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस और सब्ट्रैक्शन भी एक ही बात है, तो हमें कुछ फर्क नहीं पढ़ना. राइट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है. सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ऑडी अगर एडिशन भी होगा तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, नहीं तो सम का नहीं होगा. राइट, ऑर्डर सेम होगा तभी सम होगा. सम किस तरीके से होगा? दिस एलिमेंट एडेड विद दिस एलिमेंट. राइट है, दिस एलिमेंट एडेड विद दिस एलिमेंट. सिमिलरली अगेन दिस विल बी द एडेड विद दिस विल एडेड विद दिस. राइट, और दिस फोर्थ वन इज एडेड विद दिस वन. नाउ द न्यू मैट्रिक्स दैट विल बी सपोज सी दैट शुड बी 1 + 3 2 + 4. ऑर्डर शुड बी सेम, ध्यान रखना 4 + 1. तो नाउ द जनरेटेड न्यू मैट्रिक्स इज लाइक दिस. क्लियर, फॉर द समेशन और द सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो सेम. वेन एवर देर इज माइनस देन दिस 1 - 3. राइट, और सिमिलरली 2 - 4 3 - 3 4 - 1. सो यू कैन गेट द एडिटिव एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और अगेन यू आर गेटिंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स. सो गाइज, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर. नाउ कम ऑन मल्टीप्लीकेशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. राइट, एक पार्ट आ गया अपना स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन 1 2 3 4 5 6. दिस इज द मैट्रिक्स एंड आउटसाइड इट इज गिवन के ए. सपोज फाइंडिंग के, के इज द एनी स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद ए मैट्रिक्स ए. सो दिस के इज प्रोडक्टेड विद द एवरी नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2k 3k 4k 5k 6k. दिस इज द न्यू मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. इफ एनी स्केलर क्वान्टिटी इज टू बी प्रोडक्टेड विद ए मैट्रिक्स देन इट शुड बी प्रोडक्टेड टू इट्स ईच एलिमेंट. राइट, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. नेक्स्ट पार्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. नाउ कम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स. राइट, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या कंडीशन जरूरी है ध्यान रखना. सपोज ए मैट्रिक्स इज गिवन 1 2 3 3 2 1. क्या ऑर्डर है इसका वो आप यहाँ लिख दें 2 × 3 2 रो 3 कॉलम. राइट, column 1 column 2 column 3 row 1. this is row 1 this is row 2. Row r is to be write first, thereafter write column 1, it is column 2 column 3 3 column 2 row. to jo next matrix hogi wo kya hogi, wo honi chahiye aapki 3:3 le lo aap, koi dikkat nahi hai. 3:3 ka meaning ho gaya, यहाँ आपने लिख दिया 1 2 1 1 3 2 1 4 3. 3:3 हो गया. यहाँ पर कितनी रो हो गई? 3 रो 3 कॉलम. राइट, वन आवर ए इंटू बी यू विल कैलकुलेट देन फॉर द मल्टीप्लीकेशन इट इज़ रिक्वायर्ड. क्या द मैट्रिक्स फर्स्ट
यहाँ क्या लिखा हुआ ए इंटू बी, क्योंकि इट्स नॉट कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए, राइट। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट्स वाई ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग आएंगे और पॉसिबल भी होगा या नहीं होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर द प्रोडक्ट इट शुड बी नेसेसरी दैट फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स के क्या नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या नंबर ऑफ, सेकेंड मैट्रिक्स का क्या पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, ये दोनों सेम होने चाहिए। पहला पार्ट फॉर प्रोडक्ट ऑफ ए टू मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स इट्स नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। क्या कहा आपने कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए फर्स्ट मैट्रिक्स विच इज इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तब ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, राइट। तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है और जो प्रोडक्ट आएगा वो जो रिमेनिंग बच गया उसका प्रोडक्ट आएगा, क्या आएगा बचा, तो बचा हुआ क्या है टू क्रॉस थ्री, ये रिमेनिंग है, दिस एंड दिस इज द रिमेनिंग विच इज द आफ्टर प्रोडक्ट द रिजल्ट यू आर गेटिंग लाइक दैट, राइट। अब प्रोडक्ट कैसे होगा, ये तो प्रोडक्ट होने की कंडीशन आ गई कि पहली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी में नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब प्रोडक्ट कैसे करना है और नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो जो रिमेनिंग ऑर्डर में बचे हुए हैं पहली में रो दूसरी में कॉलम दैट शुड बी द नाउ प्रोडक्ट दैट इज द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। अब प्रोडक्ट कैसे होगा, टू इंटू थ्री को आप जनरेट करते हैं तो कितनी होगी टू रो वन थ्री कॉलम ऐसी बनेगी। इस एलिमेंट का नेम क्या हो गया ए वन वन, इसका नाम क्या हो गया ए वन टू, इसका क्या हो गया ए वन थ्री, फिर ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ये रो हो गई, ये सेकेंड रो हो गई, थ्री कॉलम्स हो गए लाइक दैट, ठीक है। अब हम एलिमेंट्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो अब स्टार्ट कर रहे हैं, पर हमारा टू क्रॉस थ्री का ऑर्डर बनेगा, उस ऑर्डर को हमें बनाने के लिए अब हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो टू क्रॉस थ्री का प्रोडक्ट बनेगा, ये क्लियर हो गया। अब प्रोडक्ट कैसे करना है वो आपको समझना है, दोनों मैट्रिक्स को राइट कर देंगे आप यहाँ पे वन टू थ्री थ्री टू वन, ऑर्डर आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। मैट्रिक्स बी लिखेंगे वन टू वन वन थ्री टू वन फोर थ्री, यहाँ आपको इसका ऑर्डर लिख देना है, नया जो ऑर्डर बनेगा वो ये बनेगा, तो आपको उतनी स्पेस क्रिएट कर दें आप, ठीक है। एक दो तीन वन टू थ्री, यही आएगा टू क्रॉस थ्री टू रो थ्री कॉलम, राइट। अब आपको प्रोडक्ट किस तरीके से करना है, ये कंप्लीट रो प्रोडक्टेड विद दिस कॉलम, और प्रोडक्ट कैसे होगा देखो सम करते जाएंगे, ठीक है ना, क्या करोगे सम कर देंगे आप, तो अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे। देखो प्रोडक्ट में आपको जो वर्क है वो प्रॉपर ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट किस तरीके से करना है, तो मैंने कहा फर्स्ट रो प्रोडक्टेड विद फर्स्ट कॉलम, प्रोडक्ट कैसे होना है, इस एलिमेंट का इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ, इस वे में आपको प्रोडक्ट करना है, तो वन इंटू वन, फिर प्लस टू इंटू वन, फिर प्लस थ्री इंटू वन, ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट रो प्रोडक्ट विद फर्स्ट कॉलम दैट शुड बी प्लेस हियर इन दैट मैनर, अगेन दिस फर्स्ट रो प्रोडक्ट विद सेकेंड कॉलम सेम वे वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री
प्लस 3 × 4, ये आपका सेकंड एलिमेंट भी कंप्लीट फिल हो गया। नाउ कम ऑन थर्ड एलिमेंट, राइट, 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3, ये एलिमेंट्स आपने फिल कर दिए, राइट। अब सेकंड पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 1। अब फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 × 2, राइट, प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 4, क्लियर हो गया। इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया कंप्लीट, इसका प्रोडक्ट इसके साथ किया कंप्लीट, इसका प्रोडक्ट थर्ड कॉलम के साथ करोगे, 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 3, ये आपने प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो भी एडिशन आ रहा है वो करके राइट कर देंगे, दैट वाज द फाइनल प्रोडक्ट। तो कितना आ गया, 1 + 2 + 3 = 6, फिर यहाँ 3 5 1 6, 3 2 1, फिर 2 6 12 19 हो गया क्या, फिर यहाँ पर कितना हो गया, 6 6 4 16 6 6 4 16, 1 4 9 13 14 कर दो, 9 4 13 1 14, 3 4 3 6 4 10। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ न्यू मैट्रिक्स। क्लियर, सबको प्रोडक्ट कैसे करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो प्रोडक्ट विद द कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, फिर फर्स्ट की रो दूसरे कॉलम से, फिर फर्स्ट की रो तीसरे कॉलम से, अपसाइड तीनों प्लेसिंग पूरी कर देंगे। अगेन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ क्या आया, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, यहाँ क्या आ गया, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, और आप इसको एडिशन करके राइट कर दें। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स ए एंड बी। तो सिमिलरली अगर आप इसका बी क्रॉस ए कैलकुलेट करेंगे तो वो इसके सेम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट करके देख लें। तो अभी आप जो हम लेसन को यहाँ ओवर करेंगे, यू जस्ट सॉल्व फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज आल्सो यू कैन एबल टू सॉल्व नाउ, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स एंड द मल्टीप्लिकेशन और द सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन, सॉल्व अप टू द 3.2 एक्सरसाइज, राइट। We will solve 1 or 2 questions in the 3.2 in our next class. Thank you very much.